बीएससी मैथमेटिक्स पेपर वन सेमेस्टर वन, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये रियल पेपर है। तो ये पेपर जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, जहाँ पे पिक्चर का यूज करना हो, मैटर लिखने हो, हेडिंग लगाना हो, या टेबल का प्रयोग करना है, या कोई इस तरह से पेपर बनाने हो, तो इन सभी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवध ग्लो ऑनलाइन में। आज हम लोग एक नई सीरीज पर काम करने वाले हैं। आज से हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या होता है। तो हम लोग का डे वन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डे वन। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज इंटरफेस, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का विंडो है उसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। नंबर थर्ड हम लोग जानेंगे व्हाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट टू अस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट के बारे में, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, चेंज केस, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आने वाला वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है। तो ऐसे प्रोग्राम जिनका प्रयोग करके लेटर, पेपर, रिपोर्ट, रिज्यूम, डॉक्यूमेंट इत्यादि को बनाया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। आगे लिखा हुआ है जिसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जैसे लेटर, पेपर, रिपोर्ट, बायोडाटा, रिज्यूम, नोटिस इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका प्रयोग अलग अलग डॉक्यूमेंट जैसे लेटर, पेपर, रिपोर्ट, बायोडाटा, रिज्यूम, नोटिस इत्यादि को बनाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग सिंपल टेक्स्ट से लेकर के चार्ट, टेबल, पिक्चर, डायग्राम, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट इत्यादि बहुत कुछ है जिसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम की फाइल का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। किसी भी फाइल को जब हम किसी नाम से सेव करते हैं तो उस नाम के बाद एक और नाम लग जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। जैसे अगर आप कोई फोटो बनाते हैं और फोटो का नाम आप लिखते हैं अमित, तो फोटो फाइल होने के कारण उसका नाम amit.jpeg हो जाता है। तो jpeg जो होता है वो एक फोटो का एक्सटेंशन नेम होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .docx होता है। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है इसमें बनने वाले फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं और डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो डॉक्यूमेंट वन होता है। डिफॉल्ट नेम का मतलब होता है कि जब तक हमने डॉक्यूमेंट को किसी नेम से सेव नहीं किया है तब तक वो डॉक्यूमेंट जिस नाम से सेव है उसे बोलते हैं डिफॉल्ट नेम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है तो यहाँ पे लिख क्या रहा है डॉक्यूमेंट 3। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नेम है क्योंकि इससे पहले हमने दो डॉक्यूमेंट और यूज कर लिए हैं, तो यहाँ पे लिख क्या रहा है डॉक्यूमेंट 3। लेकिन अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आता है। फिर कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में जो फाइल बनती है उसका नेम 255 करेक्टर का हो सकता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब किसी फाइल को बनाया जाता है तो उसका नेम 255 करेक्टर तक हो सकता है। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के विंडो जो है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टाइटल बार के बारे में। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है इसका नाम टाइटल बार है, जिसपे सबसे मुख्य चीज है हमें ये जानना कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है और प्रोग्राम का नाम क्या है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा है वर्ड और यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट नेम, यानी डॉक्यूमेंट नेम जो यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट 2 ये हमारे डॉक्यूमेंट का नेम है और वर्ड जो लिख के आ रहा है ये हमारे प्रोग्राम का नेम है। तो टाइटल बार पे हम लोग देखते हैं कि हम किस प्रोग्राम और किस फाइल पे कार्य कर रहे हैं। इसी टाइटल बार पे ही प्रोग्राम को बंद करने के लिए, प्रोग्राम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए,
इत्यादि ऑप्शन दिए गए होते हैं। और आप अगर राइट साइड में आते हैं, सॉरी अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर न्यू, ये हो गया ओपन, ये सेव, अलग अलग यहाँ पे कुछ टूल भी शो हो रहे हैं। ये जो टूल शो हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये या तो रिबन से ऊपर या तो रिबन के नीचे, अगर इसे हमें नीचे करना हो तो इसी पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पर शो बिलो द रिबन कर देंगे तो देखिए ये यहाँ पर शो होने लगा। और अगर हम चाहते हैं ये ऊपर हो जाए तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके हम लोग करेंगे शो अबव द रिबन, तो ये रिबन के ऊपर हो जाएगा। ये चौड़ी पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे होंगे इसी को कहा जा रहा है रिबन। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है या तो रिबन से ऊपर होता है या रिबन से नीचे होता है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमारा रिबन होता है। ठीक है, रिबन में होम है, इंसर्ट है, ड्रा है, ये सब अलग अलग टैब होते हैं। और टैब के अंदर अलग अलग कमांड आते हैं, जैसे होम टैब है तो आप देख रहे होंगे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, हम लोग इन्हीं के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो जो आप ये देख रहे होंगे ये पूरी पट्टी, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बोलते हैं रिबन। और रिबन पर अलग अलग कमांड है जो कि अलग अलग टैब के अनुसार है। होम टैब के अनुसार अलग कमांड है, रेफरेंसेस टैब के अनुसार अलग कमांड है, इंसर्ट टैब के अंदर अलग कमांड है। तो हम लोग होम टैब से शुरुआत करेंगे। फाइल टैब जो होता है ये डॉक्यूमेंट को यहाँ पर होम पर जाने के लिए है, न्यू करने के लिए है, ओपन करने के लिए है, गेट एडिंग्स करने के लिए है, इन्फो करने के लिए है, सेव सेव एज करने के लिए है, प्रिंट करने के लिए है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होम टैब के बारे में। ठीक है, तो होम टैब जो होता है हमारा, हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं व्हाई माइक्रोसॉफ्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों अगर हमें अगर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना हो, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया गया है और एक रिज्यूम है। थोड़ा सा जूम करते हैं आपके लिए, तो आप देख पा रहे होंगे एक रिज्यूम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बनाया गया है। तो अगर आप भी कोई रिज्यूम चाहते हैं बनाना, ये एक छोटा सा रिज्यूम है वन पेज का, सिंगल पेज का, और यहाँ पे एक और रिज्यूम है जो डबल पेज का है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये रिज्यूम या जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया ये रिज्यूम, ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाए गए हैं। ये पहला रिज्यूम है जो सिंगल पेज का है, ये सेकेंड रिज्यूम है जो डबल पेज का है, आप देख पा रहे होंगे डबल पेज में है। तो आप सिंगल पेज का या डबल पेज का किसी भी प्रकार का रिज्यूम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट बनाना है जहाँ पे कॉलम का प्रयोग करना है, टेबल का प्रयोग करना है, यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर का प्रयोग करना है, यहाँ पे ये न्यूज़पेपर इफेक्ट का प्रयोग करना है जैसे हम लोग ड्रॉप कैप बोलते हैं, या हमें कोई भी चार्ट या डायग्राम या वर्ड आर्ट का प्रयोग करना है, तो इन सभी का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट है, आप देख पा रहे होंगे एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट, इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम, हेरिकल डायग्राम का प्रयोग किया हुआ है। इसके अलावा एक और रिज्यूम है यहाँ पर जहाँ पे सिंपल सा बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट एक और है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका मैथ का पेपर है, ये बीएससी मैथमेटिक्स पेपर वन सेमेस्टर वन, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये रियल पेपर है। तो ये पेपर जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो जहाँ पे पिक्चर का यूज़ करना हो, मैटर लिखने हो, हेडिंग लगाना हो, या टेबल का प्रयोग करना है, या कोई इस तरह से पेपर बनाने हो, तो इन सभी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। इसलिए किसी भी ऑफिस में अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद अब हम जानेंगे फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट क्या होता है, तो फॉन्ट को समझने के लिए हम एक नया पेज लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक न्यू पेज लेते हैं, और न्यू पेज के लिए या न्यू पेज नहीं न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल के लिए हम लोग यहाँ पे आकर के यानी कि फाइल में आकर के और न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नया फाइल मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मैटर लिखते हैं, जैसे हमें लिखा होम होम, फिर हमें लिखा इंसर्ट, फिर हमें लिखा ड्रा, फिर हमें लिखा डिजाइन,
तो हमने कुछ यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है। अगर हमें इसमें होम की साइज को बड़ा करना है या होम के जो होम लिखा हुआ है इसके लिखने के तरीके को चेंज करना है तो हम लोग फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे। मैटर को सेलेक्ट करने के लिए ये जो आपको दिख रहा है आई बना हुआ, इसको मैटर के पीछे या आगे ला करके लेफ्ट क्लिक करते हुए ऐसे ड्रा करते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी लिख के आ रहा है कैलिबरी बॉडी और यहाँ पे भी लिख के आ रहा है कैलिबरी बॉडी। तो हमारे कार्य को आसान बनाने के लिए जब हम किसी मैटर को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बगल में ही फॉन्ट आ जाता है, या तो वहां से या फिर यहाँ ऊपर से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हम फॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉन्ट पे जब क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फॉन्ट दिखाई देते हैं और जिस प्रकार का फॉन्ट हमें दिखाई देगा उसी प्रकार का हमारा मैटर हो जाएगा। आप कुछ हिंदी के फॉन्ट भी देख पा रहे होंगे, कुछ इंग्लिश के फॉन्ट भी देख पा रहे होंगे और कुछ अलग तरीके से भी लिखा हुआ फॉन्ट आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा फॉन्ट का लिस्ट होता है। थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाएं हम तो आप देख पाएंगे कि यहाँ जो आपका फॉन्ट है, जो आपका फॉन्ट है इसमें कई तरह के हैं। ठीक है, आप हिंदी का भी देख पा रहे हैं, आप इंग्लिश का भी देख पा रहे हैं और इंग्लिश के कई अलग अलग तरीके भी हैं यहाँ पर जिस तरह से मैटर लिखा हुआ है। और जो भी हमें पसंद आता है हम उस पर क्लिक कर देंगे केवल और हमारा मैटर जो होम लिखा हुआ है उस फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई भी मैटर, अगर मुझे ये मैटर है मुझे हिंदी में करना है, लेकिन अगर मैं इस हिंदी को, अगर मैं इस मैटर को हिंदी में करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो इंसर्ट हिंदी में लिख देगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञाता न जापा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कुर्तिदेव, कुर्तिदेव 010 फॉन्ट। तो देखिए यहाँ पर ये हिंदी में हो गया क्योंकि मैटर सही नहीं लिखा था इसलिए हिंदी में हो गया। अगर मुझे अब से कुछ सही से लिखना हो, जैसे लिखना है अगर मेरा नाम, मेरा नाम, तो आप देख पा रहे होंगे हम जब कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं तो मैटर हिंदी में लिखा जा रहा है। तो मैटर को हिंदी करना हो, इंग्लिश करना हो या हिंदी के कई प्रकार से करना हो या इंग्लिश में कई प्रकार से करना हो, कई डिज़ाइन में करना हो, तो इसके लिए फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। तो फॉन्ट आपका ये होता है फॉन्ट। फॉन्ट के साथ हमारा अगला होता है इंक्रीज फॉन्ट या ग्रो फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट या ग्रो फॉन्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ए बना हुआ, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ एरो अप साइड में है और इसमें जो एरो बना हुआ ये डाउन साइड है। तो जो एरो अप साइड है इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज और उसके बगल में जो बना हुआ है इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसको ग्रो फॉन्ट के नाम से भी जानते हैं और इसको श्रिंक फॉन्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम श्रिंक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे मैटर हमारा छोटा हो रहा है, अगर हम ग्रो करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे मैटर हमारा बड़ा हो रहा है। तो हम लोग ग्रो, श्रिंक या इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज के द्वारा मैटर को छोटा या बड़ा करते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका मैटर, आपका आता है बोल्ड करना। जैसे आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ मैटर है ड्रा, अगर चाहते थोड़ा सा ये और डार्क हो जाए तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ये जो बी बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो गया। ये मैटर हमारा क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। आप जब सेलेक्ट को हटाएंगे तो आपको और अच्छे तरह से ये दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं बोल्ड हटाना तो आप सेलेक्ट करके फिर से इस बी पे क्लिक करेंगे उसका बोल्ड हट जाएगा। तो ये जो बी बना हुआ है माउस लेके आएंगे तो इसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, इसका नाम शो हो रहा है बोल्ड। इसके जस्ट बगल में बना हुआ आई बना हुआ है, इसको बोलते हैं इटैलिक। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका मैटर जो होता है वो राइट साइड में हल्का सा झुक जाता है और इसे हम लोग बोलते हैं इटैलिक। फिर से क्लिक करने पर इटैलिक हमारा हट जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इसमें यहाँ पर अंडरलाइन है, अंडरलाइन पर क्लिक करने से क्या होता है मैटर के नीचे एक लाइन आ जाता है और इसी के बगल में जो पॉइंट आपको दिखाई देता है यहाँ पर क्लिक करने से आपको कई सारे अलग अलग तरह के अंडरलाइन दिखाई देंगे जिसके द्वारा मैटर का अंडरलाइन आप चेंज कर सकते हैं। और यहीं पर नीचे आकर के अंडरलाइन कलर में आएंगे आप और यहाँ पे आप अंडरलाइन कलर को भी आप अपने आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है तो आप देख रहे होंगे अंडरलाइन कलर जो है वो रेड में आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं, ऐसे लिखा मैंने ड्रा टेबल, तो आप देख रहे हैं उस मैटर के आगे भी वो अंडरलाइन
कंटिन्यू चल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अब अंडरलाइन यहीं पे रुक जाए तो फिर से यू पे क्लिक करेंगे, अब जो लिखा जाएगा वो चीज आपका अंडरलाइन में नहीं आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ माई टेबल नेम, तो आप देख रहे हैं अब अंडरलाइन नहीं आ रहा है। तो अंडरलाइन अगर हमें लगाना होता है तो हम लोग मैटर को सेलेक्ट करके यू पे क्लिक करते हैं, जहाँ से हमारा मैटर अंडरलाइन हो जाता है, और इसी पर क्लिक करते हैं तो हमारा मैटर जो होता है वो अंडरलाइन हट जाता है। ठीक है, अगर इस मैटर पे हम इसको बोल्ड भी कर दें, इटैलिक भी कर दें, और अंडरलाइन एक बार अनचेक करके फिर से चेक कर दें, तो देखिए सब पे लग गया अंडरलाइन, यानी कि एक बार क्लिक करके दोबारा क्लिक करते हैं तो पूरे पे अंडरलाइन लग जाता है। तो अगर मुझे हटाना हो तो हमें फिर से बोल्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, बोल्ड हट जाएगा, इटैलिक पे क्लिक करेंगे इटैलिक हट जाएगा, अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। इससे आसान भी कुछ तरीके होते हैं दोस्तों, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करने से सारी फॉर्मेटिंग एक बार में क्या हो गई, क्लियर हो गई। आप देख रहे होंगे बोल्ड जो था वो हट गया, इटैलिक हट गया, अंडरलाइन हट गया। इसके अलावा ऊपर वाला मैटर अगर इसको भी सेलेक्ट करके हम यहाँ क्लिक करते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो आप देख रहे होंगे इसका फॉन्ट साइज सब कुछ बदल गया, जो पहले था वही हो गया। और यहाँ हिंदी लिखा हुआ मैटर, इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी आपका जैसे था वैसे हो गया, जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उसी में हो गया। और आपने देखा ये तो इंसर्ट हो गया, लेकिन जो मेरा नाम लिखा हुआ था वो ESJK UKE में आ गया। इसका मतलब है जो E है यहाँ पे माँ होता है, और S पे A की मात्रा होती है, और J पे आ की मात्रा होती है, और K पे आपका माँ होता है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। जैसे आप देख रहे थे ये मैटर सेलेक्ट करके अगर हम अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो लाइन नीचे आती है, लेकिन अगर हम लोग स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे तो लाइन बीच में इस तरह से आ जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अब फिर क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से क्लिक करना पड़ेगा, ये हट जाएगा। इसका यूज क्या है, जैसे दोस्तों अगर हम लिखते हैं कहीं भी कि ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस 75.00, और हम लिखते हैं न्यू प्राइस, और ये आपका हो गया 55.00। तो आप देख रहे होंगे कि ओल्ड प्राइस ज़्यादा है और न्यू प्राइस कम है, तो इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए ऐसे लिख करके और इस पर स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये कटा हुआ रेट है, ये पुराना रेट है और ये नया रेट है। तो स्ट्राइक थ्रू एक इफेक्ट है जिसके द्वारा हम किसी मैटर को लिख करके ऐसे बीच से काट सकते हैं, तो इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। इसके बाद हमारा अगला जो मैटर है वो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबस्क्रिप्ट, इसके बगल में आप देख पा रहे होंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका क्या काम होता है दोस्तों, इसका काम ये होता है कि जैसे अगर हम लिखते हैं H2O या हम लिखते हैं E=MC², तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे H2O जो है वो 2 बीच में है और नीचे नहीं है, इसमें भी बीच में है और ये ऊपर नहीं है। तो अगर किसी मैटर को हमें नीचे करना हो थोड़ा सा, यानी कि बेस में करना हो, बेस मतलब आधार में नीचे करना हो, तो उसके लिए हम लोग करते हैं सबस्क्रिप्ट। और ऐसे ही अगर हमें इसको पावर में करना हो, थोड़ा ऊपर करना हो, तो हम लोग करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरह से H2O में 2 नीचे हो गया, बेस में हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ये। और E=MC² में जो 2 था वो स्क्वायर की तरह ऊपर हो गया, तो उसे करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट से मैटर नीचे होता है और सुपर से ऊपर होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अवध ग्लो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।